हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज हम बात करेंगे रूब्रिक की जो रूब्रिक है डेफनेस प्रिटेंडेड। ये रूब्रिक को हम समझने की अब कोशिश करेंगे। पहले हम लिटरल मीनिंग समझते हैं इस वर्ड्स का, इन वर्ड्स का। तो डेफनेस मतलब क्या? डेफनेस मतलब कि हमको कुछ सुनाई नहीं देना, ठीक है। प्रिटेंडेड मतलब हम बहाना कर रहे हैं, हम उसका ढोंग कर रहे हैं, हम उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफनेस प्रिटेंडेड कब होता है? जब पेशेंट एक्टिंग करता है या जब पेशेंट एक ढोंग रचता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दैट इज डेफनेस प्रिटेंडेड रूब्रिक। इट इज़ फ्रॉम द केंट रेपर्टरी माइंड सेक्शन में। सो डेफनेस प्रिटेंडेड, और स्पेशली ये कब होगा? कुछ उसकी इलनेस के टाइम पे, पेशेंट जब सिक होगा या उसको कुछ एलिमेंट्स होंगे उस टाइम पे। तो डेफनेस प्रिटेंडेड हम कैसे समझेंगे? डेफनेस प्रिटेंडेड यूजली पेशेंट इलनेस के टाइम पे भी कर सकता है। इस तरह से टाइम पे क्या होगा कि पेशेंट का रिलेटिव आके बोलेगा कि डॉक्टर, मैंने अपने बच्चे को इतनी बार बोला, टीवी देखते पूरा दिन बिताता है, वो खाना भी टीवी देख के खाएगा, वो सोएगा भी टीवी देखते हुए, सब कुछ टीवी देखते हुए। तो उसको आवाज़ दो तो एकदम अनसुना कर देता है उसको, उसको लगता ही नहीं कि मैंने उसको कुछ बोला है। 5-6-7 बार जब मैं उसको आवाज़ दूँ तब जाके वो सुनता, बोलता है कि आपने मुझे कुछ बोला था क्या, आपने मुझे आवाज़ दी थी क्या। तो एकदम अनसुना कर देना और उसकी सिर्फ एक्टिंग करना। एक्चुअली पेशेंट सुन रहा होता है आवाज़, पर वो सिर्फ उसकी उस टाइम पे एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब दूसरा वर्जन अगर हम एडल्ट में देखें तो ये हो सकता है कि पेशेंट आपके पास आया और बोल रहा है कि डॉक्टर, मैं आपने पिछली बार मुझे क्या चीज़ परहेज करने बोली थी, वो तो मैं भूल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आपने क्या बोला था। मैं तो तला हुआ खाना भी खा रहा हूँ, मैं तो मसाले वाला भी खा रहा हूँ, मैं तो बाहर का भी खा रहा हूँ, मैं तो कुछ परहेज नहीं कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आपने मुझे क्या बोला था, मैंने शायद ध्यान से सुना नहीं आपने मुझे क्या बोला था, तो आप मुझे वापस बता दीजिए। सो दैट इज़ डेफनेस प्रिटेंडेड, कि एक्चुअली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम सुनने में नहीं है, बट उस टाइम पे वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो नहीं सुन रहे हैं उस चीज़ को। तो इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ विरेट्रम एल्बम। डेफनेस प्रिटेंडेड इज मेडिसिन विरेट्रम एल्बम। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है एब्सेंट माइंडेडनेस में या एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स में या एब्जर्ड थॉट्स में। ये सेम नहीं है, वो एक्चुअली पेशेंट का वो स्टेट ऐसा होता है कि वो लॉस्ट होता है अपने थॉट्स में, इसलिए वो प्रेजेंट में नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता क्या चल रहा है। या हम उसको कुछ वार्निंग दे रहे हैं तो पेशेंट ध्यान नहीं दे रहा है और जानबूझ के खड्डे में कूद रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ये है डेफनेस प्रिटेंड करना कि वो सुन तो रहा है हमने क्या बोला है, पर उसको आंसर नहीं देना है उस टाइम पे, उसको अनसुना कर देना। उसके ध्यान में सब कुछ ही क्या चल रहा है, बट वो उस टाइम पे अनसुना कर देता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं या हम लोग भी मोबाइल लेके बैठते हैं, कुछ गेम चल रही होती है या कुछ हम वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उसमें हम एकदम ध्यान देके लगे होते हैं हम देखने में। तो हमें कोई आवाज़ देते तो एक दो बार तो हम भी ऐसे अनसुना कर देते हैं कभी, और पाँच बार बाद में लगते कि अरे यार किसी ने मुझे आवाज़ दी, किसी ने मुझे कुछ बोला तो सुनना है। तो दैट इज़ डेफनेस प्रिटेंडेड। तो डेफनेस प्रिटेंडेड एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स, एब्सेंट माइंडेडनेस और एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स, और ये सब का मैंने वीडियो अलग बनाया है, वो रूब्रिक्स आप अलग से स्टडी करिए और उसका मीनिंग डीपली समझिए। और डेफनेस प्रिटेंडेड अलग रूब्रिक है, इसको आप अलग समझिए। डेफनेस प्रिटेंडेड में पेशेंट प्रिटेंड करेगा, डोंग करेगा, एक्टिंग करेगा कि जैसे उसने आपकी बात सुनी नहीं, ठीक है। सो उसमें एक ही मेडिसिन है विरेट्रम एल्बम। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए और आप शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर लर्निंग इन होम्योपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकली हाउ होम्योपैथी कैन बी यूजफुल टू अस। थैंक यू।